हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने एटलस के डिफरेंट कंटिनेंट्स को देखा है। इसके बाद कुछ कंटिनेंट्स बच गए हैं, उससे पहले हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ सेक्शंस को डील करेंगे। उसके बाद फिर जो बचे हुए एटलस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसे कहा जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, वायुदाब। क्योंकि इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है कि विंड्स का सर्कुलेशन होता है, हवाएं चलती हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कैसे करता है, किस तरीके के विंड्स जो है वो चलते हैं, लोकल विंड्स कैसे, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से परमानेंट विंड्स होते हैं। तो इन सभी की चर्चा हम लोग आज करेंगे। क्या रीजन है कि विंड चलते हैं, कौन सा ऐसा रीजन है कि परमानेंट विंड चलते हैं, सभी की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। कहाँ पे? तो इस टॉपिक के अंदर। तो हेडिंग देते हैं टॉपिक का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायु मंडलीय दाब, है ना। तो जो वायुमंडलीय दाब है, इसी से ये यही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, मूवमेंट ऑफ एयर के लिए, है ना। तो समझते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अर्थ को ले लेते हैं, और अर्थ के ऊपर जो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यानी कि इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इसको देखते हैं। ये भूमध्य रेखा क्यों है? बिल्कुल सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल बीचों बीच है, और दूसरी बात एक और फीचर क्या है कि यहाँ पर जो सन की लाइट है वो क्या होती है, सन की लाइट का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो जब सन के लाइट का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो स्पेस होगा, ये जो जगह होगा, यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये वाला जो जगह है, इस जगह पे क्या रहता है, टेम्परेचर हमेशा काफी ज्यादा रहता है, ठीक है, समझ रहे आप लोग। अब एक और रिलेशन है टेम्परेचर और प्रेशर का एटमोस्फेयर के अंदर, कि अगर हाई टेम्परेचर है इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, तो लो प्रेशर होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर, लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो हमें किसके साथ डील करना है, डील करना है प्रेशर के साथ। तो बेसिकली यहाँ पर हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर कैसा प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो रहा है, समझ रहे। हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के कारण कैसा प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम। अब ये जो रीजन है जीरो डिग्री का, क्या सिर्फ इसी जगह पे लो प्रेशर होता है, कितने दूरी तक लो प्रेशर रहता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो आपको पता होगा कि ये जो एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन दो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा, यहां तक क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या होता है, सनलाइट डायरेक्टली आता है। मतलब कि ये रीजन है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ का एंड 23.5 डिग्री साउथ का जो रीजन है, ठीक है, ये दोनों जो रीजन है, नॉर्थ और साउथ के जो रीजन है, ये हीट सरप्लस रीजन है। हीट सरप्लस का मतलब क्या हो गया, यहां पर सनलाइट का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा है। तो ये जो रीजन है वो कैसा रीजन है, हीट सरप्लस रीजन है। इसके बाद 23 डिग्री के बाद क्या होता है कि सन का जो लाइट होता है वो डायरेक्टली इंसिडेंट नहीं होता है। सन का जो लाइट होता है वो डायरेक्टली इंसिडेंट, ये मतलब कि वो जो है ना बिल्कुल हीट सरप्लस रीजन नहीं है। तो लगभग 30 डिग्री के पास जो फेनोमेना होता है वो थोड़ा चेंज होता है, उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चर्चा करते हैं। तो सन का लाइट 0 डिग्री पर ज्यादा था तो हाई टेम्परेचर, सिमिलरली सन का लाइट ये जो पोल्स हैं 90 डिग्री, यहां पर क्या होगा, काफी कम होगा। तो सन का लाइट जब 90 डिग्री पर काफी कम होगा तो यहां पर क्या होगा, लो टेम्परेचर क्रिएट होगा। और लो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, कैसा प्रेशर, लो टेम्परेचर का मतलब होता है हाई प्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली 0 डिग्री और 90 डिग्री पर दो तरीके के प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो गए, 0 डिग्री पर लो प्रेशर और 90 डिग्री पर हाई प्रेशर। तो 0 डिग्री पर जो हुआ है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, ये चूंकि इक्वेटर है तो इसे कहा जाता है इक्वेटोरियल,
ठीक है, भूमध्य रेखीय, ठीक है, कैसा प्रेशर, लो प्रेशर, तो निम्न दाब पेटी। तो जो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री को क्या कहा जाएगा, 0 डिग्री को कहा जाएगा भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, ठीक है, 0 डिग्री को। सिमिलरली 90 डिग्री को क्या कहा जाएगा, 90 डिग्री को क्या कहा जाएगा, पोलर रीजन है मतलब ध्रुवीय। और कैसा है यहां पर, ध्रुव में कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। आपको बता रहा हूं कि ये दोनों जो पेटियां हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री, इनका निर्माण किसके कारण हुआ है, तो टेम्परेचर के कारण हुआ है। तो इन दोनों को क्या कहा जाता है, थर्मली इंड्यूस्ड, यानी कि ताप प्रेरित पेटी कहा जाता है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है, ताप प्रेरित पेटी कहा जाता है। किसको किसको, 0 डिग्री को और 90 डिग्री को। इसी तरीके से दो और पेटियों का निर्माण होता है, लेकिन ये दोनों जो बेल्ट हैं या पेटियां हैं, इनका निर्माण सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के कारण नहीं, वहां पर जो मेन रीजन है वो रीजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर होता है, और इसी कारण से उन्हें कहा जाता है गति प्रेरित पेटी। ठीक है, तो ताप प्रेरित पेटियां दो हो गई, कौन कौन सी हो गई, ताप प्रेरित पेटी हो गई 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब दूसरा देखते हैं, ये जो 30 डिग्री का हमने चर्चा किया था, ये 30 डिग्री देखिए, ये हो गया 30 डिग्री, और इसके ऊपर दूसरा कौन सा हो गया, ये हो गया आपको 60 डिग्री। इन दोनों की चर्चा करते हैं। यहां पर 0 डिग्री पर जो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हुआ था, तो हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, एयर क्या हो गया, गर्म हो गया, और हवाएं जब गर्म हो जाएंगी तो क्या होंगी, वो ऊपर उठना शुरू होंगी, और ऊपर उठने शुरू होंगी तो वो कैसा प्रेशर हो जाएगा, हवाओं का दबाव कम हो गया तो कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर हो जाएगा। अब हवाएं ऊपर उठ चुकी हैं, ठीक है, जब हवाएं ऊपर उठ चुकी हैं तो वो कहां जाती है, ट्रोपोस्फेयर तक जाती है, छोमंडल तक जाती है, और उसके बाद ऊंचाई पर हवाएं क्या करने लगती हैं, ऊंचाई पर स्थित जो हवाएं होती हैं वो मूवमेंट करना शुरू करती हैं। तो ये जो हवाएं हैं, क्योंकि हवाएं नीचे से ऊपर गई हैं, तो उस जगह पर क्या हो गया है कि काफी ज्यादा एयर का एक्युमुलेशन हो गया, एयर का जमावट हो गया है, और एयर का जमावट होने के कारण वहां पर कैसा प्रेशर सिस्टम हो गया, ऊपर में वो कैसा प्रेशर सिस्टम हो गया, हाई प्रेशर सिस्टम, और एयर का मूवमेंट शुरू हुआ है। क्योंकि 30 डिग्री तक सनलाइट ज्यादा होता है, दैट्स वाई एयर जो है ना वो डिसेंड नहीं करती है, एयर जो है ना ऊपर ही में ही वो एयर का मूवमेंट होते रहता है ट्रोपोस्फेयर के पास। ठीक है, समझ रहे, मतलब कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एयर का मूवमेंट होते रहता है। इसके बाद क्या होता है कि जब वो एयर है वो 23.5 डिग्री को पास करती है, मतलब कि हीट सरप्लस रीजन को जब वो पास करती है, तो वहां पर टेम्परेचर कम होने के कारण एयर जो है ना वो क्या करती है, डिसेंड कर जाती है, एयर क्या होती है, गिर जाती है, और जब एयर गिरती है और वो सरफेस ऑफ अर्थ पे आकर जमा हो जाती है, तो वहां पर फिर से क्या हुआ, वहां पर फिर से हुआ कि एयर का जो अमाउंट था वो अमाउंट बढ़ गया, और जब एयर का अमाउंट बढ़ गया मतलब क्या हुआ, एयर का जब एक्युमुलेशन हो गया मतलब क्या हुआ, वहां पर कैसा प्रेशर सिस्टम, तो एयर का जब सरप्लस रीजन होगा तो वहां पर कैसा कैसा प्रेशर सिस्टम, तो वहां पर होगा हाई प्रेशर सिस्टम। लेकिन ये जो हुआ है ये डायरेक्टली टेम्परेचर के कारण नहीं हुआ है, ये किसके, ये जो हाई प्रेशर बना है वो किसके कारण बना है, तो और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर के कारण बना है, हवाओं के जमावट होने के कारण बना है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर सिस्टम। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गति प्रेरित ताप पेटी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री पे क्या होता है इसको समझते हैं। तो यह है 90 डिग्री और यह है 30 डिग्री, यहां पर भी हाई प्रेशर है, यहां पर भी हाई प्रेशर है, दोनों जगह पे हाई प्रेशर है, तो हवाएं कहाँ चलेंगी, हाई प्रेशर मतलब हवाएं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लो प्रेशर मतलब हवाएं
ठीक है, वो कहाँ चली जाएंगी, नीचे से ऊपर चली जाएंगी। तो ये हाई प्रेशर में हवाएं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ चल रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इन दोनों हवाओं का कोलिजन जो होता है वो लगभग 60 डिग्री के पास होता है, और कोलिजन होने के कारण बाद जो रिस्पेक्टिवली जो हवाएं रिस्पेक्टिवली क्या होती हैं, कम हाई प्रेशर के साथ रहती हैं, मतलब कि जो कम रिस्पेक्टिवली कम ठंडी होती हैं, वो हवाएं कोलिजन के बाद वो क्या होती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। और जब हवाएं ऊपर जाने लगती हैं तो क्या होता है, वहां पर क्या कैसा प्रेशर सिस्टम, जब हवाएं कम होंगी तो वहां पर कैसा प्रेशर सिस्टम, वहां पर लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होगा। और यह है 60 डिग्री के पास क्या होता है, आपको लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है। और यहाँ पर भी जो 60 डिग्री के पास भी जो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ है वो किसके कारण हुआ है, तो वो हुआ है आपको ड्यू टू मूवमेंट, कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद हवाएं क्या हो गई, ऊपर उठ गई, तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अर्थ के कारण हुआ है, अर्थ के मूवमेंट के कारण हुआ है, दैट्स व्हाई 60 डिग्री को भी क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 0 डिग्री के पास क्या हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर, 30 डिग्री के पास हाई प्रेशर, 60 डिग्री के पास लो प्रेशर एंड 90 डिग्री के पास हाई प्रेशर, ठीक है। सेम टू सेम फेनोमेना जो होता है वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी होता है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि 30 डिग्री के पास देखेंगे तो 30 डिग्री के पास आपका यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर, ठीक है। फिर 60 डिग्री के पास देखेंगे तो 60 डिग्री के पास क्या होगा, लो प्रेशर, और 90 डिग्री के पास देखेंगे तो 90 डिग्री के पास फिर से क्या होगा, हाई प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फेनोमेना जो है, ये प्रेशर सिस्टम आपने अर्थ का देखा, ठीक है। यहां पर दो तीन बातें आपको बताऊं कि इसके कारण ही ये जो मूवमेंट हुआ, इसके कारण ही ये जो आपका प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ, इसके कारण ही क्या होता है, अर्थ के ऊपर आपको जो ये होते हैं, आपको हवाएं जो है वो हवाएं इसके कारण ही चलती हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, बेसिकली प्रेशर डिफरेंस होता है। तो हवाओं को चलने के लिए जो दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है वो कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। सबसे पहली बात तो आप जान लेंगे कि एयर का जो मूवमेंट होता है वो कैसे चलता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलता है, समझ रहे हैं। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है पहला चीज, हमने यहां पर भी देखा है कि कई सारी जगहों पर हाई प्रेशर है लो प्रेशर है, तो कई जगहों पे हाई प्रेशर लो प्रेशर है, तो इस तरीके से एयर का मूवमेंट होगा। और क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं, एयर के मूवमेंट को प्रभावित करते हैं, तो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसे कहा जाता है कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। तो कोरियोलिस इफेक्ट क्या है समझते हैं कि अर्थ पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, इस घूर्णन के कारण जो हवाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में, हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है फिर से समझिएगा कि अर्थ पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, समझ रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध में आपको दाहिनी ओर, राइट साइड, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में वो कहां मुड़ जाती है, बाईं मुड़ जाती है, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि अर्थ के मूवमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है। एक और बात जानने की जरूरत है कोरियोलिस इफेक्ट के अंदर कि ये जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है, ये कोरियोलिस इफेक्ट जो है वो आपको हर जगह पे समान नहीं होता है, ये वैरी करते रहता है, ठीक है। कोरियोलिस इफेक्ट का अगर हम लोग मैथमेटिकली इंटरप्रिटेशन देखें तो इट इज वी साइन थीटा, और वी साइन थीटा का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना आपको सबसे ज्यादा साइन जीरो बराबर जीरो, मतलब कि सबसे कम जो होगा उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, 0 डिग्री के पास, और सबसे अधिक जो इफेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, 90 डिग्री के पास, ठीक है। तो ये जो कोरियोलिस इफेक्ट भी जो है वो भी हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो वो भी आप बता सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मूवमेंट जो एयर का है वो कैसे होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि मैंने बताया कि एयर का मूवमेंट कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर देखते हैं, 30 डिग्री के पास क्या है, हाई प्रेशर, और 0 डिग्री के पास क्या है, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर ऊपर होगा, लो प्रेशर नीचे, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इसको और समझने का प्रयास करते हैं, ये जो हाई टू लो चला तो ये कौन सा हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर कौन सा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसे मुड़ती है, दाहिनी ओर मुड़ती है। तो दाहिना किधर होगा, ये देखिए हवाएं ऐसे चल रही है, तो दाहिना किधर होगा, इधर की तरफ, तो ये हो गया, ठीक है, समझ रहे।
फिर देखते हैं नेक्स्ट आपको इसके अंदर स्पेस के अंदर 3260 डिग्री के अंदर। तो यहां पर क्या है, हाई प्रेशर 30 डिग्री के पास, लो प्रेशर 60 डिग्री के पास, एयर का मूवमेंट कैसे होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हाई नीचे, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, ठीक है। बट एक्चुअल मूवमेंट जो होगा कोरिओलिस इफेक्ट के कारण वो कैसा होगा, तो एक्चुअल जो मूवमेंट होगा ये देखिए ऊपर जा रहा है तो राइट किधर होगा, इधर की तरफ, तो जो एक्चुअल मूवमेंट होगा वो ये होगा। लेकिन ये देखिए मैंने जो आपको एक्सटेंड बनाया है वो बिल्कुल आपको मैंने बनाया कि ये सीधा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट कम होगा और यहां पर जो मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा, यहां पर मूवमेंट जो होगा वो और ज्यादा होगा, क्योंकि कोरिओलिस का मैंने आपको ये प्रभाव जो है बता दिया था। सिमिलरली 90 डिग्री के पास क्या होगा, 60 टू 90 डिग्री के पास क्या होगा, एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई टू लो, चलना ऐसा शुरू किया, देख रहे आप लोग। लेकिन क्या होगा, कौन सा हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो हवाएं कैसे मुड़ेंगी, दाहिनी तरफ, तो दाहिनी तरफ मुड़ गई, इधर की तरफ मुड़ जाएंगी, तो ये ठीक है। अब समझते हैं इसको, और इस मूव में ये जो आपका पूरा सर्कुलेशन हुआ, विंड का जो सर्कुलेशन हुआ, इस सर्कुलेशन को कहा जाता है परमानेंट विंड्स, यानी कि अस्थाई पवनी, क्योंकि ये सालों भर एक ही दिशा में चलती रहती है। अब इसमें समझते हैं कि एयर का तो मूवमेंट हुआ, एयर का मूवमेंट हुआ तो कौन किसको क्या कहा जाता है, सो समझते हैं। ये वाला जो एयर का मूवमेंट है इसे कहा जाता है, देखिए इसको ऐसे हम लोग याद करते हैं, कहां से इसका ओरिजिन हुआ, इसको उठाया हमने और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक्सिस ड्रॉ किया, ये देखिए नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहां से होगा, ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से है, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्टर्लीज हो जाएंगे, पूर्वी पवन, ठीक है। इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, वेस्ट से, देखिए ऐसे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये देखिए इसका ओरिजिन कहां से हुआ, ईस्ट विंड का ओरिजिन कहां से हुआ, तो ये क्या है, साउथ वेस्ट, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, तो वेस्ट से, तो ये क्या हो जाएंगी, वेस्टर्लीज हो जाएंगी, पश्चिमी पवन, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएंगी, स्टर्लीज हो जाएंगी, पूर्वी पवन, ठीक है। इन सभी कोस्ट का, तो इन कोस्ट का जो ये वाला जो कोस्ट है इसे कहा जाता है हेडली कोस्ट, ठीक है, याद रखेंगे ये जो 0 to 30 डिग्री है इसको क्या कहा जाता है, हेडली कोस्ट कहा जाता है। 30 to 60 डिग्री वाला जो है इसे क्या कहा जाता है, फेरल कोस्ट कहा जाता है, फेरल कोस्ट, और 60 to 90 डिग्री है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है ध्रुवीय कोस्ट, ठीक है। तो ये उनके ज्योग्राफर्स ने जो सर्च किया था उसके नाम के अकॉर्डिंग है, सेम टू सेम फेनोमेना यहाँ पर कहां पे होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, समझते हैं इसको एक बार थोड़ा सा। देखिए यहां पर क्या है, हाई प्रेशर, यहां पर क्या है, लो प्रेशर, तो एयर का मूवमेंट कैसे होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रहा है, एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रहा है। अब ये कौन सा हेमिस्फीयर है, कौन सा गोलार्ध, तो ये गोलार्ध है आपको दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कैसे मुड़ेगी, बाई तरफ, ठीक है, तो बाएं किधर होगा इसका, इधर की तरफ, ये देखिए ठीक है। नेक्स्ट ये जो हेमिस्फीयर है वो कौन सा है, सॉरी नेक्स्ट ये वाला देखिए 32-60 डिग्री में सदर्न हेमिस्फीयर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, समझ गए। अब जो मूवमेंट होगा वो किधर की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि हेमिस्फीयर कौन सा है, सदर्न, तो लेफ्ट की तरफ, इधर लेफ्ट हो गया, ठीक है, समझ गए। उसी तरीके से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जो एक्चुअल मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये जो है ना पूरा आपको क्या हो गया, एयर का सर्कुलेशन, यहां पर स्टर्लीज, वेस्टर्लीज, स्टर्लीज, सिमिलरली स्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड स्टर्लीज, दीज आर नोन एज द परमानेंट विंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है, परमानेंट विंड्स हैं। इसके अलावा भी कुछ आपको लोकल विंड्स हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।